तुम्हें का अगर ऐसी बात है
फिर मिलाऊंगी और क्या, और महाराज को खिलाऊंगी। खाना खाते ही महाराज खत्म हो जाएंगे। मिटाऊंगी मिटाऊंगी। सुना, महाराज को खाने में ढेर मिलाऊंगी और महाराज खत्म होंगे। अरे तल के खाने में बूटा मिलाऊं जहर, कि मेरी सौतेली माँ मेरे पिता के भोजन में जहर मिलाएगी और वो भोजन मेरे पिताजी को कराएगी। वो भोजन करते मेरे पिताजी मर जाएंगे। नहीं, हर बेटे का फर्ज होता है अपने माता पिता की रक्षा करना। नहीं, इसी वक्त मैं अपने पिता के पास पहुंचता हूँ। जब मेरी सौतेली माँ भोजन लेकर आएगी, वो भोजन में करने कदा पे कौन औजान कहां से आगमन हुआ है? महाराज, हम धर्मपुर रियासत महाराज धर्मचंद के दरबार के सेनापति हैं। अच्छा, आपके यहाँ राजकुमारी शर्मा? हाँ, राजकुमारी शर्मा हमारे यहाँ है। राजकुमारी शर्मा को आप मेरे साथ भेजते हैं? अच्छा, क्योंकि महाराज का आदेश है। राजकुमारी शर्मा को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा। अरे का खिचड़ी उचड़ी नहीं होता तो आर बहन लागे। हेलो राजकुमार, आपकी राजकुमारी है, मैं उस दरबार का सेनापति। रामकुमार सेनापति, जैसे आप मेरे परम मित्र सेनापति हैं, इसलिए आप दरबार में दो चार दिन रहे। हमारे यहाँ बूटा गिरफ्तार हुआ है, हम बूटा की फांसी करवा देंगे। वो फांसी आप देख लेना, क्योंकि यहाँ का इंसाफ है खून के बदले खून। अगर कोई अत्याचारी चंदनपुर में पकड़ा जाता है तो उसे सजा देना मेरा कर्तव्य है। आपकी जैसी इच्छा। रामकुमार, एक कुर्सी लेकर आओ, सेनापति बैठे। अरे रतिया सना ना ना हुए मोरे राजा, सकता था। चलो हम पागल का पीछा करते हैं और तुम्हारी अंगूठी उसे छीन लेते हैं।